उसने रीज और हेल को डिनर पार्टी में बुलाया था। वेल भी वहां मौजूद था। चारों बचपन से फ्रेंड्स हैं और पार्टी में खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल और एना बचपन से ही एक दूसरे को लाइक करते आ रहे हैं और आज वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के अलावा और किसी पार्टनर के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि रीस और हेल रिलेशन में है, यानी कि वो दोनों गे हैं। और डिनर के दौरान रीस मजाक में एना और विल से कहता है कि हमेशा तुम दोनों एक दूसरे के साथ बोर नहीं होते क्या? कभी किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, अच्छा लगेगा। ये बात हेल को पसंद नहीं आती और एना एंड विल इसे मजाक में ही लेते हैं। जिसके बाद हम रीस और हेल को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर हेल रीस को एक बेबी अडॉप्ट करने के लिए कह रहा था। दरअसल वो चाहता है कि उसकी भी एक हैप्पी फैमिली हो, मगर रीस इसके लिए मना कर देता है। वही अगले दिन रीस विल से तो हेल एना से पिछली रात की रीस की बात के लिए माफी मांगते हैं कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मगर एना ने इस बात को सीरियस ले लिया था और वो सच में किसी और के साथ इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो ये बात विल को भी कहती है कि उसे भी किसी और लड़की के साथ इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसके लिए पहले तो विल मना करता है, मगर क्योंकि एना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए वो मान जाता है। साथ ही में वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो इंटीमेट किसी के साथ भी हो, मगर प्यार एक दूसरे के साथ ही करते रहेंगे। जिसके बाद एना ये बात हेल को तो विल रीस को बताता है। हेल को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर रीस कहता है कि तुम दोनों को ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन विल उसे कहता है कि हम दोनों के बीच प्यार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे पार्क में हेल की मुलाकात ग्लेन से होती है, जिसके बेबी को देखकर हेल को काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ देर हम देखते हैं कि रीस और विल एक साथ वुडन फर्नीचर की शॉप चलाते हैं, जहां एक दिन लीडिया नाम की लड़की आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो विल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उसके काम की बार बार तारीफ कर रही थी। इन सभी बातों के बाद विल और एना एक लोकल क्लब में आते हैं ताकि एना अपने लिए मेल पार्टनर ढूंढ सके, और किस्मत से उसकी मुलाकात वहां के एक सिंगर डैन से होती है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और जब विल उसके पास आता है तो एना उसे अपने एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराती है। कुछ देर बाद विल एना को डैन के साथ उसके घर जाने के लिए कहता है, और ये भी कि इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जब वो दोनों जा रहे थे तभी हम विल के चेहरे पर उदासी देखते हैं। वही जब एना और डैन इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी एना को विल का ख्याल आता है और वो बाथरूम में जाकर उसे टेक्स्ट मैसेज करती है कि अगर तुम मना करोगे तो मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँगी। जिस पर विल कहता है कि अगर तुम करना चाहती हो तो कर सकती है, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद डैन और एना इंटीमेट हो जाते हैं। वही एना को वहाँ से जाते वक्त डैन उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता है। एना जब घर आती है तब वो देखती है कि विल अब तक जागा हुआ था, और उसके पूछने पर एना बताती है कि उसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अगले दिन एना ये बात हेल को बताती है। इस पर हेल कहता है कि एक बार के लिए काफ़ी है, उसके साथ बार बार मत करना। एना को ये बात समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। दूसरी तरफ विल भी सभी बातें रीस को बता रहा था, जिस पर रीस उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, नहीं तो वो एना को भी खो सकता है। जिसका जवाब देते हुए विल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। तभी शॉप में लीडिया आती है। वो विल का बनाया हुआ एक टेबल लेने के लिए आई थी, जिसके लिए वो डिलीवरी एड्रेस देती है। तभी विल कहता है कि वो आज रात टेबल लेकर उसके घर आ जाएगा। गाइस, यहाँ लीडिया जिस तरीके से विल के साथ बात कर रही थी उससे विल समझ जाता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ हेल कोई वीडियो देख रहा था, मगर जैसे ही वो रीस को घर पर आते हुए देखता है वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है, जिससे रीस को उस पर थोड़ा शक होता है। इसलिए उसके जाने के बाद वो लैपटॉप चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि हेल बेबी को अडॉप्ट करने की वीडियो देख रहा था। अगले सीन में हम विल को लीडिया के घर पर टेबल की डिलीवरी करते हुए देखते हैं। तभी लीडिया रोमांटिक म्यूजिक प्ले करती है और अचानक से विल को किस करने लगती है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम विल को कार में देखते हैं और वो काफ़ी परेशान नजर आ रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो और लीडिया इंटीमेट हुए हैं। और जब वो घर आता है तो एना उस पर काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि वो उसके फ़ोन कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी विल बताता है कि वो लीडिया नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। इस पर एना और भी भड़क जाती है, क्योंकि उसने इसके बारे में उसे नहीं बताया था, लेकिन वो उससे काफ़ी प्यार करती थी इसलिए अगले दिन वो विल को माफ़ कर देती है। जिसके बाद वो अपने न्यू पार्टनर लीडिया और डैन के बारे में बात करते हैं। साथ ही एना ये भी कहती है कि वो डैन से दोबारा मिलने वाली है, इसलिए विल भी लीडिया से फिर से मिलने का डिसाइड करता है। आगे हम रीस और हेल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां रीस कहता है कि एना और विल ये ठीक नहीं कर रहे, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है जिसके बावजूद वो ये सब कर रहे हैं। इस पर हेल कहता है कि अगर वो दोनों आपस में खुश नहीं हैं तो ये सब कर सकते हैं।
वहीं जब एना और डैन एक साथ थे तब डैन उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, मगर क्योंकि एना अभी भी विल से प्यार करती थी इसलिए वो मना कर देती है। इस सब के बाद एना का मन काम में बिल्कुल नहीं रख रहा था, वो सिर्फ किसी न किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो घर जाते वक्त रास्ते में एक आर्ट एग्जीबिशन में रुकती है और वहाँ के ऑनर के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद वो आदमी एना का फ़ोन नंबर मांगता है, मगर एना ये कहकर मना कर देती है कि उसे पहले उसकी वाइफ से परमिशन लेनी चाहिए। ये सुनकर वो आदमी एना को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये बात जब वो विल को बताती है तब विल हैरान था कि इतनी जल्दी वो किसी और के साथ भी इंटीमेट हो गई, इसीलिए वो उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, मगर एना मना कर देती है क्योंकि अब उसे ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। वही एना के वहाँ से जाने के बाद विल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो उस क्लब के बार टेंडर के साथ ही बाथरूम में इंटीमेट होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और ये चीज़ बार टेंडर को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं कि हेल और रीस के बीच बच्चों को लेकर बहस हो जाती है। दूसरी तरफ विल लेडिया के घर पर आता है जहां वो नशे की गोलियां लेकर बातें करते हैं और बातों ही बातों में विल के मुंह से एना का नाम निकलता है। इस तरफ डैन और एना एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तभी एना को पता चलता है कि डैन खाना भी बना सकता है। इसी तरह वो लोग खाना खाते हुए काफ़ी बातें करते हैं और जब एना वापस अपने घर आती है तो वो देखती है कि विल नशे की हालत में घर के एक कोने में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी नशे में था इसीलिए एना उसे संभालती है। अगले दिन हम हेल को देखते हैं जो कि ग्लेन के बेबी को अपने हाथ में पकड़कर काफ़ी खुश नजर आ रहा था। तभी ग्लेन कहता है कि वो काफ़ी अच्छा डैड बनेगा। उसके बाद हेल घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो कि विल के शॉप को संभाल रही थी। तभी वहाँ पर लीडिया आती है। दरअसल वो यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि वो अपने घर के पूरे फर्नीचर को रीन्यू करवाना चाहती थी, वो भी विल के हाथों। वही अपना नाम बताने पर एना को पता चलता है कि ये वही लीडिया है जिसके साथ विल इंटीमेट हुआ था, और लीडिया को एना का नाम पता चलते ही वो समझ जाती है कि ये वही एना है जिसके बारे में नशे की हालत में विल बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एना और डैन को एक फंक्शन हॉल में देखते हैं जहां डैन एना को लेकर गया था और उसके कहने पर ही एना अपने टैलेंट दिखाते हुए पियानो बजाती है और वो काफ़ी अच्छा बजा रही थी, जिसके बाद डैन उसे प्रपोज करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है, मगर एना साफ साफ मना कर देती है। फिर भी डैन बार बार एक ही बात पूछ रहा था, इसलिए एना उसे फाइनली सच्चाई बताती है कि वो सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आई थी, और ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम हेल और ग्लेन को बात करते हुए देखते हैं, जिसके दरमियान ग्लेन को पता चल गया था कि हेल एक गे है और उसे लगता है कि वो उसे भी गे समझ रहा है, लेकिन हेल उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं सोचता। तभी वहाँ पर रीस आता है और उसे लगता है कि हेल और ग्लेन का रिलेशन चल रहा है, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, मगर हेल उसे कहता है कि ग्लेन उसका बस फ्रेंड है। कुछ देर बाद रीस कहता है कि वो बच्चे के लिए तैयार है, मगर अब हेल मना कर देता है क्योंकि वो रीस को ज़बरदस्ती बच्चे के लिए नहीं मनाना चाहता था, इसी वजह से रीस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विल लेडिया से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर लेडिया उसे कहती है कि एना सच में काफ़ी खूबसूरत लड़की है। इस पर विल हाँ में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ वो उसे रिंग देकर प्रपोज करता है और एना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर विल को एना अपना बनाया हुआ घर दिखाने के लिए लेकर आता है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया है, लेकिन यहाँ पर एना को एहसास होता है कि वो विल से प्यार तो करती है मगर उसके साथ खुश नहीं रह सकती। उसे ये सब तब पता चला जब वो बाकी मर्दों के साथ इंजॉय कर रही थी, इसीलिए वो विल को कहती है कि वो उसके साथ इस घर में मूव नहीं होना चाहती, क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग शादी के बाद खुश नहीं रहेंगे, इसीलिए वो विल को रिंग लौटा कर वहाँ से चली जाती है। तब जाकर विल को समझ आता है कि उन्होंने एक दूसरे को किसी और के साथ इंटीमेट होने की परमिशन देकर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो दोनों खुद ही एक साथ नहीं रह सकते, और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।